गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में बात की थी, ठीक है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी के ऊपर। तो दोस्तों किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है, इसको चेंज करने के दोस्तों दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है दोस्तों इसको आप हीट कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा दोस्तों वर्क के थ्रू ये चेंज होती है, ठीक है। तो ये इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दोस्तों दो तरीके हैं, पहला है हीट और दूसरा है वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये हीट और इंटरनल एनर्जी के बारे में, मतलब हीट और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो हीट है, हीट हम क्यू लेटर से दिखाते हैं ना, ठीक है। तो ये जो हीट है और इंटरनल एनर्जी जो है यू लेटर से दिखाते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशन है देखिए, मतलब हीट की वजह से इंटरनल एनर्जी जो है वो कैसे चेंज होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सपोज दोस्तों केस नंबर वन डिस्कस करते हैं। सपोज यहाँ पर एक सिस्टम है, ठीक है, और ये सिस्टम मतलब मान लेते हैं गैस है, और ये सिस्टम के कांटेक्ट में आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट लाया, मतलब बर्नर इसे कांटेक्ट में लाया मान लेते हैं। पहले इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, ये मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पर है, और ये हॉट ऑब्जेक्ट जो है मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो यहाँ पर सिस्टम का टेम्परेचर एनवायरमेंट मतलब सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है, तो हीट क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर हीट जो है बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, सिस्टम में जाएगी। मतलब कि ये सिस्टम है मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक कोई भी एक सिस्टम है, और यहाँ पर सिस्टम का टेम्परेचर ये एनवायरमेंट के टेम्परेचर से अगर कम है, सिस्टम का टेम्परेचर अगर एनवायरमेंट के टेम्परेचर से कम है तो क्या होगा दोस्तों, हीट अंदर जाएगी ना, ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है। तो अगर हीट अंदर जाएगी दोस्तों तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पर ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो हीट अगर बाहर से अंदर जाएगी सिस्टम में तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी, और अगर हीट बाहर से अंदर जा रही है तो उसका जो साइन कन्वेंशन है दोस्तों वो आपको पॉजिटिव लेना होता है। ये साइन कन्वेंशन किस लिए दोस्तों, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर हीट जो है वो बाहर से अंदर की तरफ सिस्टम के अंदर जा रही है तो आपको हीट जो है वो पॉजिटिव कंसिडर करनी है, ठीक है। और ये पॉजिटिव निगेटिव हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते वक्त आपके समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं केस नंबर टू के बारे में। केस नंबर टू में क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर ये एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो केस नंबर टू में क्या होता है देखिए, तो अगर दोस्तों कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, ओके, और इसका जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर दोस्तों मान लेते हैं सराउंडिंग के टेम्परेचर मतलब एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा है। मतलब सिस्टम का टेम्परेचर मान लेते हैं यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मान लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा दोस्तों, अगर सिस्टम का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो हीट क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। मतलब क्या कि अगर कोई भी एक सिस्टम है, देखिए यहाँ पर कोई भी एक आर्बिटरी शेप की सिस्टम लेते हैं हम लोग, और सिस्टम का टेम्परेचर अगर ये एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से अगर ज़्यादा होगा, मतलब कि सिस्टम का टेम्परेचर TS इज ग्रेटर देन एनवायरनमेंट टेम्परेचर, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में हीट क्या होगी दोस्तों, अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करेगी, ओके। तो जब हीट अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करती है तो ऐसे हीट को दोस्तों आपको निगेटिव एज्यूम करना है, और इस पर्टिकुलर केस में दोस्तों इंटरनल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी ना। देखिए यहाँ पर पहले 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस था, तो जब हीट बाहर फ्लो करेगी तो यहाँ की जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी वो घटेगी ना, ठीक है। तो जब दोस्तों हीट बाहर की तरफ फ्लो करेगी तो इंटरनल एनर्जी के साथ क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जो है ये क्या करेगी दोस्तों, डिक्रीज करेगी, घटेगी, ओके। और इस पर्टिकुलर केस में अगर हीट अंदर से बाहर की तरफ जा रही है तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है दोस्तों, ये जो क्यू है ये हमें लेना होता है निगेटिव, ओके। तो हीट अगर सिस्टम के अंदर जा रही है तो उसको हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, और हीट अगर सिस्टम से बाहर जा रही है तो उसको हम निगेटिव एज्यूम करेंगे। ये साइन कन्वेंशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते वक्त आपको यूज़ करने हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं केस नंबर थ्री के बारे में, ठीक है। मतलब अगर सिस्टम का टेम्परेचर और एनवायरमेंट का टेम्परेचर अगर सेम है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, मतलब ये एक सिस्टम है, देखिए दोस्तों मान लेते हैं, देखिए ये एक सिस्टम है और ये जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में ना हीट अंदर से बाहर जाएगी ना हीट बाहर से अंदर आएगी, ओके। तो इस पर्टिकुलर केस में ये इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हीट फ्लो भी नहीं होगा, तो यहाँ पर दोस्तों इस पर्टिकुलर केस में हीट भी जो है वो जीरो होगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि हीट का यूज़ करके
इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे होता है, हीट के वजह से इंटरनल एनर्जी में कैसे चेंज होता है, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की। ठीक है, तो दोस्तों ये इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का एक तरीका हमने यहाँ पर सीखा जिसका नाम है हीट। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है दोस्तों आप वर्क के थ्रू इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर वर्क और इंटरनल एनर्जी के बीच क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वर्क हम डब्ल्यू लेटर से दिखाते हैं और इंटरनल एनर्जी दोस्तों हम लोग यू लेटर से दिखाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इंटरनल एनर्जी चेंज कब होगी, जब आप सिस्टम पे वर्क करोगे तब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, तो केस नंबर वन, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर अगर आप वर्क करोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ। सपोज दोस्तों ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक पिस्टन है। जैसे आप साइकिल की जो टायर होती है दोस्तों, उस टायर में आप एयर को भरने के लिए, हवा भरने के लिए आप क्या करते हो दोस्तों, आप कुछ इस तरीके का डिवाइस यूज़ करते हो ना। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ से प्रेस करते हो, ये इसको पिस्टन बोलते हैं और ये सिलेंडर होता है और यहाँ से एक पाइप निकलती है जो आपके टायर को अटैच होती है। ठीक है, और इस तरीके से ये कॉम्प्रेस्ड एयर आपके टायर के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का सिलेंडर है, पैक सिलेंडर है, और यहाँ पर एक पिस्टन है और यहाँ पर गैस है मान ले। तो ये जो गैस है ये आपकी सिस्टम हुई, ये है आपकी सिस्टम। अब अगर दोस्तों इस पिस्टन को आप इधर फास्ट मूव करोगे, ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, ये जो पिस्टन है इसको अगर इमिजिएटली इधर मूव करोगे, ठीक है, मतलब आप इस पर सिस्टम पर काम कर रहे हो ना। ठीक है, तो आप अगर इस सिस्टम पर काम करोगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसकी एनर्जी बढ़ेगी ना, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो अगर वर्क सिस्टम पर हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। मतलब ये कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम के ऊपर अगर काम हो रहा है तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होगी दोस्तों, इंटरनल एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब क्या है कि वर्क अगर सिस्टम के अंदर जा रहा है तो दोस्तों क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, और अगर वर्क सिस्टम के अंदर जा रहा है तो इस वर्क को दोस्तों आपको एज्यूम करना है नेगेटिव। ठीक है, आप साइन कन्वेंशन कौन सा भी ले सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हो। मैंने पहले इसको पॉजिटिव कंसीडर करके ही वीडियोज़ बनाए थे, लेकिन दोस्तों क्या हुआ था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूजन हो रहा था, इसीलिए ये वीडियो चेंज कर रहा हूँ। फिजिक्स के लिए जो है हम वर्क को निगेटिव एज्यूम करेंगे, मतलब अगर वर्क सिस्टम के अंदर जा रहा है तो वर्क निगेटिव एज्यूम करेंगे, पॉजिटिव भी एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आंसर्स आपके करेक्ट आएंगे, सिर्फ उसको अप्लाई कैसे करना है वो बताना जरूरी है। और आपके टेक्स्ट बुक में जो है ये कन्वेंशंस यूज़ किए गए हैं, तो हम लोग यहाँ पर ये कन्वेंशंस यूज़ करते हैं। तो एक बात हमारे ध्यान में आ गई दोस्तों, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी और ऐसे वर्क को हम निगेटिव वर्क बोलेंगे। ओके, अब केस नंबर टू देखते हैं। दूसरी केस क्या है देखिए दोस्तों, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब अगर सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर कोई काम कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। कैसे, देखिए दोस्तों यही डायग्राम बनाता हूँ मैं। मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये पिस्टन है जो ऊपर नीचे कर सकता है, इधर मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, ये जो पिस्टन है मासलेस है ऐसे एज्यूम करते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि इनर्शिया के वजह से यहाँ पर एनर्जी लॉस ना हो, और फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, ऊपर के केस में भी वो एज्यूम करना था, मतलब जो पिस्टन है वो मासलेस है और फ्रिक्शन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब अननेसेसरी इनर्शिया और ये जो फ्रिक्शन है इसकी पढ़ाई आपको करनी नहीं है, वो छोड़ना है, बाकी का पढ़ना है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर मान लेते हैं इस गैस के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होती है और ये एक्सपांड होता है, गैस अगर एक्सपांड होता है, ठीक है, तो ये गैस क्या करेगा, इस पिस्टन को इधर पुश करेगा ना, मतलब अब सिस्टम जो है वो काम कर रही है, मतलब वर्क क्या हो रहा है दोस्तों, सिस्टम सराउंडिंग पे कर रहा है, मतलब अब वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये जो सिस्टम है सिस्टम अगर वर्क करेगी तो यहाँ की इंटरनल एनर्जी क्या होगी दोस्तों, कम होगी ना। मतलब अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब अगर दोस्तों सिस्टम वर्क कर रहा है तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी क्या करेगी दोस्तों, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब वर्क यहाँ से बाहर आ रहा है, सिस्टम से बाहर आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर वर्क को दोस्तों आपको एज्यूम करना है पॉजिटिव। ठीक है, ओके, आपके टेक्स्ट बुक के कन्वेंशंस ये हैं, मतलब कि अगर देखिए ये कोई भी एक सिस्टम है और सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो इस वर्क को आपको एज्यूम करना है निगेटिव,
और दोस्तों अगर सिस्टम वर्क कर रहा है बाहर तो इस वर्क को एज्यूम करना है आपको पॉजिटिव, ठीक है। आप उल्टा भी एज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ये साइन कन्वेंशंस यूज़ किए हैं तो कन्फ्यूजन को कम करने के लिए दोस्तों हम लोग ये साइन कन्वेंशंस यूज़ करेंगे। और ये साइन कन्वेंशंस कब यूज़ करने हैं, जब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तब ये साइन कन्वेंशंस यूज़ होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर केस नंबर थ्री के बारे में। केस नंबर थ्री क्या है, देखिए, इफ़ नो वर्क इज़ डन मतलब अगर कोई वर्क ही नहीं हो रहा है, मतलब ये सिस्टम है मान लेते हैं, ये देखिए ये पिस्टन है और यहाँ पर गैस है, तो ये गैस ही मान लेते हैं एक सिस्टम है, ठीक है। तो ये गैस के वजह से ना तो पिस्टन इधर जा रहा है ना तो एनवायरनमेंट की वजह से पिस्टन इधर जा रहा है, ठीक है। तो पिस्टन वही के वही है, मतलब इसके ऊपर सारे बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। और अगर वर्क कोई नहीं है दोस्तों तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों थोड़ा सा साइन कन्वेंशंस को हम यहाँ पर रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों सिस्टम है मान लेते हैं, कोई भी एक आर्बिटरी शेप की सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर अगर हीट जा रही है तो इस हीट को दोस्तों हम लोग को पॉजिटिव एज्यूम करना है, ठीक है। और हीट सिस्टम से बाहर जा रही है तो इस हीट को दोस्तों हमको एज्यूम करना है निगेटिव, ओके। और वर्क के केस में क्या है दोस्तों, वर्क अगर देखिए सिस्टम के अंदर जा रहा है, वर्क मतलब सराउंडिंग से सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो ऐसे वर्क को दोस्तों हमें एज्यूम करना है यहाँ पर निगेटिव, ओके। और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर तो ऐसे वर्क को दोस्तों हमें एज्यूम करना है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशंस आपको यूज़ करने हैं ताकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप अच्छे से समझ पाओ। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें दोस्तों हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क के बीच का जो है रिलेशन देता है, ठीक है। तो इस रिलेशन को समझने के लिए दोस्तों देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर गैस है और यहाँ पर दोस्तों ये एक पिस्टन है जो मूव कर सकता है और जो मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। मासलेस और फ्रिक्शनलेस क्यों, क्योंकि इनर्शिया और जो फ्रिक्शन है उसका स्टडी हमें यहाँ पर नहीं करना है, हमें सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। अब अगर दोस्तों ये जो गैस है इसको आप यहाँ पर हीट ऐड करोगे इसके अंदर, तो ये जो हीट है इसके वजह से दो चीज़ें होंगे दोस्तों। क्या दो चीज़ें होंगी, एक तो ये जो गैस है इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और दूसरा दोस्तों ये जो गैस है इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करेगा, मतलब यहाँ पर होगा वर्क, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो हीट है इसके वजह से दो चीज़ें हो रही है दोस्तों, ये जो हीट है इसके वजह से क्या हो रहा है, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है और यहाँ पर दोस्तों वर्क हो रहा है, ठीक है, ओके। तो यही है दोस्तों रिलेशन बिटवीन हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, ओके। और इसी को आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन भी बोल सकते हो। और हमेशा दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन लिखते वक्त लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हीट लिखना है आपको और इक्वेशन ये इक्वल टू साइन है ना, उसके राइट हैंड साइड में आपको इंटरनल एनर्जी और वर्क लिखना है। और जो साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया वो आपको यूज करने हैं। कौन से साइन कन्वेंशन, अगर दोस्तों देखिए जो हीट है अगर सिस्टम के अंदर जा रही है तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम से बाहर जा रही है तो निगेटिव। और वर्क दोस्तों देखिए अगर वर्क है और ये वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है तो दोस्तों निगेटिव, और सिस्टम अगर सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है तो ये वर्क जो है आपको पॉजिटिव एज्यूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने साइन कन्वेंशंस प्रॉपर यूज किए हैं कि नहीं है। तो हीट देखिए दोस्तों यहाँ पर अंदर जा रही है, तो हीट अगर अंदर जा रही है तो यहाँ पर प्लस, और वर्क देखिए सिस्टम से बाहर आ रहा है मतलब सराउंडिंग पे वर्क हो रहा है, तो वर्क सराउंडिंग पे हो रहा है मतलब वर्क जो है वो पॉजिटिव यूज करना है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में दोस्तों अगर आप इक्वेशन लिखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का तभी ये साइन कन्वेंशंस एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। आप ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर दोस्तों आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये जो W है इसको इधर लेके क्या कर सकते हो, देखिए Q माइनस W इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन आप बोल सकते हो। लेकिन ये जो साइन कन्वेंशंस है वो इसी फॉर्मेट में लगाने हैं, इस फॉर्मेट में नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो बेहतर है अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन आप ऐसे याद करते हो, ठीक है, ये भूल जाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन ऐसे याद करिए और ये साइन कन्वेंशन आप ध्यान में रखिए। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है दोस्तों ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है अगर किसी सिस्टम में आप हीट डालोगे तो उसके वजह से दो चीज़ें होंगी, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और दूसरा क्या होगा दोस्तों वर्क होगा, मतलब जितनी एनर्जी आप सिस्टम के अंदर डाल रहे हो वो एक तो इंटरनल एनर्जी में यूटिलाइज करने में जा रही है और दूसरा वर्क करने में यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बीच में एनर्जी कहाँ पर भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, ठीक है, गायब नहीं हो रही है।
तो दोस्तों ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह भी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हमें वही इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। क्या दे रहा है, अगर किसी सिस्टम को आप एनर्जी दे रहे हो तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, उसके वजह से क्या हो रहा है, कुछ वर्क हो रहा है और कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। ओके, कहीं पर भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो। मतलब एग्जाम में अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पूछते हैं और अगर दोस्तों आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ ये इक्वेशन भी लिखना होगा ये डायग्राम बनाकर, ठीक है। तो दोस्तों ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से समझने के लिए कुछ केसेस हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो केस नंबर वन देखिए दोस्तों, मान लेते हैं ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, और ये सिस्टम पे मान लेते हैं सिस्टम के अंदर हीट जा रही है और यहाँ पर ये सिस्टम कोई वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में दोस्तों ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन कैसे लिखोगे, सिस्टम के अंदर हीट जा रही है दोस्तों, मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्यू इज इक्वल टू, इसके वजह से क्या होगा दोस्तों, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, सो डेल्टा यू, और यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है मतलब वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, मतलब जीरो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर इस सिस्टम के लिए लिखना हो दोस्तों तो आपको ऐसे लिखना होगा, मतलब अगर सिस्टम कोई वर्क नहीं कर रहा है तो सारी की सारी जो हीट है उसके वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, मतलब हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप कैसे बोल सकते हो, मान लेते हैं एक फिक्स ऐसा फिक्स बाउंड्री का एक कंटेनर है, ओके, एक वेसल है जिसके अंदर गैस है और यहाँ पर आपने लगाया हुआ एक बर्नर मान लेते हैं, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पर हीट कर रहे हो इस गैस को, सिस्टम को हीट कर रहे हो, मतलब सिस्टम के अंदर हीट जा रही है, लेकिन ये जो फिक्स कंटेनर है वर्क नहीं कर सकता, मूवेबल पिस्टन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसका इक्वेशन इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों केस नंबर टू, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं ये एक सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम है, ओके, और इस सिस्टम में आप क्या कर रहे हो दोस्तों, हीट ऐड कर रहे हो और इस सिस्टम पे आप वर्क भी कर रहे हो, मतलब वर्क भी अंदर जा रहा है और हीट भी अंदर जा रही है, तो इसके वजह से दोस्तों क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसके वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन कैसे लिखोगे आप। तो दोस्तों क्योंकि हीट जो है अंदर जा रही है, अंदर जाने वाली हीट पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू इंटरचेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके। और क्योंकि दोस्तों वर्क भी अंदर जा रहा है यहाँ पर, तो अंदर जाने वाला जो वर्क है वो निगेटिव होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा माइनस डब्ल्यू, ओके। मतलब अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन लिखना है आपको तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू, और ये डब्ल्यू उधर आने के बाद क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, क्यू भी अंदर गया और डब्ल्यू भी अंदर गया, मतलब क्यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन साइन कन्वेंशंस जो लगाने हैं आपको इस इक्वेशन के लिए लगाने हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस डायग्राम को कैसे समझे, मान लेते हैं देखिए यहाँ पर एक पिस्टन है, एक पहले तो एक सिलेंडर है मान लेते हैं, और यहाँ पर एक पिस्टन है, मूवेबल फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन है, और यहाँ पर गैस है, मतलब सिस्टम है, ठीक है, ओके। तो अगर यहाँ से आप हीट भी ऐड कर रहे हो और यहाँ से दोस्तों आप उसके ऊपर वर्क भी कर रहे हो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, हीट प्लस वर्क, ओके। तो ये जो सिस्टम है ये है, ठीक है। तो अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर केस नंबर थ्री के बारे में, ठीक है। तो ये केस नंबर थ्री क्या है, देखिए केस नंबर थ्री क्या है, तो मान लेते हैं कोई भी एक सिस्टम है और ये सिस्टम जो है सराउंडिंग के ऊपर काम कर रही है, वर्क कर रही है, यहाँ पर आप हीट ऐड नहीं कर रहे हो ना ही हीट लॉस हो रहा है, लेकिन ये जो सिस्टम है ये सराउंडिंग के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए ये इक्वेशन आप कैसे लिखोगे दोस्तों, क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इसकी वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू, और यहाँ पर क्योंकि दोस्तों वर्क बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है मतलब उसका जो साइन कन्वेंशन है वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, प्लस डब्ल्यू लिखना है, ओके। तो यहाँ से दोस्तों इंटरनल एनर्जी के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, ये डब्ल्यू उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होगा, इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी निगेटिव आंसर आएगा, निगेटिव आंसर मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पे पहले कुछ एनर्जी थी और उस एनर्जी की वजह से वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब फाइनली बात करते हैं केस नंबर फोर के बारे में, ठीक है। और केस नंबर फोर क्या है दोस्तों, मान लेते हैं आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में आप हीट ऐड कर रहे हो और ये सिस्टम बाहर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये लगभग कुछ इस तरीके की दिखेगी ना, ये एक सिस्टम है जिसमें आप हीट ऐड कर रहे हो, ये सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये इक्वेशन आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट जो है खत्म होता है। अब दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर कुछ केसेस दिए हुए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो दोस्तों केस नंबर वन क्या है, देखिए कोई भी एक सिस्टम है मान लेते हैं और इस सिस्टम के अंदर दोस्तों 200 जूल हीट जा रही है अंदर और ये जो सिस्टम है एनवायरमेंट के ऊपर या सराउंडिंग के ऊपर 100 जूल वर्क कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको निकालना है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये इक्वेशन आपको यूज़ करना है और इसी इक्वेशन के लिए आपको दोस्तों ये जो साइन कन्वेंशंस हैं वो यूज़ करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिख के लेते हैं दोस्तों, क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। तो यहाँ पे दोस्तों हीट जो है अंदर जा रही है, हीट अंदर जा रही है इसका मतलब पॉजिटिव लेना है, तो ये प्लस 200 हो जाएगा। प्लस 200 इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू प्लस वर्क क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर वर्क देखिए बाहर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये जो वर्क है ये वर्क बाहर जा रहा है, तो बाहर जाने वाला जो वर्क है उसको पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, तो इसीलिए प्लस क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 100। ओके तो इसकी वजह से दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ये 100 उधर जाने के बाद जो है -100 हो जाएगा, ठीक है। सो 200 -100 क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 100। ओके तो इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई दोस्तों, 100 जूल से चेंज हुई, ठीक है। एकदम सिंपल है दोस्तों, आपको अगर किसी ने 200 रुपये दिया, आपने 100 रुपये खर्च किए तो आपके पास कितने पैसे है, 100 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों केस नंबर टू के बारे में। केस नंबर टू क्या है, देखिए केस नंबर टू देखिए दोस्तों, कोई भी एक सिस्टम है जिसके अंदर आप हीट डाल रहे हो 100 जूल और ये सिस्टम का काम कितना कर रहा है दोस्तों, 200 जूल। तो इस पर्टिकुलर केस में दोस्तों इंटरनल एनर्जी आपको पता करनी है, तो आपको ये इक्वेशन यूज करना होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है, क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, और यहाँ पे सिंपली आपको साइन कन्वेंशन यूज करने हैं। हीट अंदर जा रही है तो पॉजिटिव, सो क्या होगा, प्लस 100 हो जाएगा। और दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है, तो वर्क बाहर जा रहा है तो ये भी क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। तो यहाँ पे ये प्लस 200 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, ये 200 उधर जाने पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 100 माइनस 200 हो जाएगा। 100 माइनस 200 का मतलब क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस 100 होगी। 100 माइनस 200 मतलब माइनस 100 जूल, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो रही है, ठीक है। मतलब 100 जूल आपने हीट ऐड करी और वर्क 200 करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में से 100 जूल एनर्जी जाएगी। मतलब मान लेते हैं आपने क्या किया है, आपको किसी ने 100 रुपये दे और आपको 200 रुपये खर्च करने हैं, तो आपको अपने जेब से 100 रुपये लगाने होंगे ना, मतलब आप -100 रुपये में जाओगे। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर केस नंबर थ्री के बारे में। मान लेते हैं ये एक सिस्टम है और आपने 100 जूल हीट ऐड की, मान लेते हैं 100 या मान लेते हैं 200 जूल आपने हीट ऐड की, ठीक है, और ये सिस्टम जो है वो 200 जूल जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इसको लॉजिकली बोल सकते हो, जितना आपने 200 हीट के जरिए से ऐड की उतना वर्क में चला गया, मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब किसी ने आपको 200 रुपये दिए, आपने 200 रुपये खर्च किए, तो ना ही आपके पैसे घटे ना ही आपके पैसे बढ़े, इतना सिंपल है दोस्तों। लेकिन इसको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लॉ यूज़ करके कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्यू क्या है, क्यू 200 है, अंदर जा रहा है इसकी वजह से प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 200 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क बाहर जा रहा है, बाहर जाने वाला जो वर्क है वो पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हमें निकालना है तो ये वर्क को इधर लेके आना होगा 200, तो ये 200 माइनस 200 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके तो इस पर्टिकुलर केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर केस नंबर 4 के बारे में। तो सपोज एक सिस्टम है और ये सिस्टम पर वर्क हो रहा है, मान लेते हैं कितना वर्क हो रहा है, देखिए यहाँ पर 100 जूल, और ये सिस्टम जो है वो हीट बाहर की तरफ फेंक रही है, कितनी हीट बाहर फेंक रही है, 200 जूल, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो आपको ये इक्वेशन यूज करना होगा। ये इक्वेशन क्या है दोस्तों, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ओके दोस्तों क्योंकि हीट जो है वो बाहर जा रही है, बाहर जाने वाली हीट निगेटिव होती है, तो यहाँ पर आपको लेना होगा माइनस 200 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वर्क जो है सिस्टम पर हो रहा है, सिस्टम पर होने वाला वर्क जो है वो भी निगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू ये माइनस 100 उधर जाने के बाद हो जाएगा प्लस 100, तो ये हो जाएगा माइनस 200 प्लस 100, माइनस 200 प्लस 100 कितना होता है दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस 100। इसका मतलब क्या कि इस पर्टिकुलर केस में इंटरनल एनर्जी जो है वो घट रही है। फिर से एक बार, किसी ने आपको 100 रुपये दिए और आपको 200 रुपये खर्च करने हैं तो आपको क्या करना होगा, अपने जेब से लगाना होगा, मतलब आप माइनस में जाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट जो है खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।